फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पा रहे लोगों के खिलाफ मुहिम चला रहे आरटीआई एक्टिविस्ट गौरी राजपूत को पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने मुहिम रोकने की धमकी दी। इस बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। हाँ, कौन गौरी? हाँ, कौन भैया? लाखन सिंह यादव बोल रहा हूँ, एक्स मिनिस्टर। आदरणीय श्रीमान जी को सादर प्रणाम। मैं ये कह रहा था यार, ये डबरा के ये बात हम क्या लपड़ा है उनके साथ। यादव जी, नेताजी ऐसा है, इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कई नियुक्तियां पाई हैं इन लोगों ने, है ना। और मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ जिसने व्यापम में कई शिक्षक भर्ती घोटाले में कई ओपन केस किए हैं मैंने, जिसमें एक ही अनुसूची पे हजारों शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। और इन बाथमों ने ओबीसी में रहते हुए एसटी में जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं इन लोगों ने, जिस आधार पर इन्होंने, मतलब पुत्र ओबीसी में है, पिता एसटी में है, कहीं पिता ओबीसी में है तो पुत्र एसटी में है। आप बताओ नेताजी, कैसे होगा ये? ये मेरा मामला और कोई मामला ही नहीं है, बताइए आप। गौरी, मैंने एक बार तुमको और बात किया था एक प्रकरण में, याद है तुमको? जी जी जी। मैं ये कह रहा हूँ, तुझे इतनी दुश्मनी लोगों से काय के लिए ले रहा है? ये देश है, देश में बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं, तुझे क्या इतना वो इंटरेस्ट है इन सब लोगों से? तू दुश्मनी इतनी ले रहा है लोगों से, क्या मतलब क्या वो है? अब ये क्या है, मेरे कार्यकर्ता जिनकी तूने वो लगाया है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एसटी नहीं होंगे, कई जगह जो है ये बात हम वही एसटी में भी आते, कई जगह ओबीसी में भाई भी आते। ऐसा है नेताजी, अगर एसटी में आते हैं तो प्रमाणित करें भाई। मैं तो वेरीफाई करा रहा हूँ ना, सब लोगों की अंग सूचियां हुई और सब लोगों के जाति प्रमाण पत्र हुए भाई। एक चीज बताइए, चलो एसटी में आते हैं, चलो पिता अगर एसटी में आता है तो भाई पुत्र को भी एसटी में आना चाहिए, है ना। अगर पिता अगर पुत्र अगर ओबीसी में है तो भाई पिता एसटी में कैसे होगा फिर, ये बताएं आप मुझे। और फिर नहीं, दुश्मनी वाली बात नेताजी, ऐसा है सुनो, क्या मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कठोर शब्दों के लिए, दुश्मनी की तो ऐसा है कि अच्छे काम में दुश्मनी बुराई सबकी होती है, ये तो एक अच्छा काम है। भ्रष्टाचार को हम लोग खत्म करना चाहिए, है ना, सब लोगों को मिलके। ये तो अच्छे भले पढ़े लिखे शिक्षित लड़के नेताजी रोड पर घूम रहे हैं और ये लोग फर्जी तरीके से ये नियुक्तियां पा रहे हैं, बताओ। चलो अच्छी बात है, फिर देख लेना तुम। मैं तो चूंकि वो मेरे कार्यकर्ता थे, अगर आपको लग रहा है तो देख लेना, फिर कर लेना जैसा आपको। हम मुझे पता है, वो आप ही की धमकी दे रहा था कल मुझे मोबाइल पर, आप ही की धमकी दे रहा था। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है कि मैं लाखन सिंह यादव का खास आदमी हूँ, संजय सिंह को जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ संजय सिंह को, कि मैं उनसे बात करता हूँ, अभी मैं आता हूँ। भाई आप ही की धमकी दे रहा था वो, मैंने आज मीडिया बोला होगा उसने, क्योंकि अपने साथ जुड़े हैं वो लोग, तो निश्चित तौर पर बोल दिया। तो भाई दम तो आप ही की है ना उस व्यक्ति को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दम तो आप ही की है ना। तो उसी चक्कर में तो आज मैंने मीडिया बुलाई आज सारी शहर की, कि साहब मंत्री जी का एक्स मिनिस्टर साहब है। बिल्कुल बिल्कुल, तू मीडिया बोला पूरी ताकत लगा लेना, ठीक है जी जी। जो फांसी सजा हो जाए सब करवा देना जी जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ओके।